बलिं छलयते, बलि को छला और क्षत्र क्षयम पूर्वते, परशुराम के अवतार में उन्होंने क्षत्रियो का क्षय किया। पौलस्त्यम जयते, पुलस्त्य ऋषि के वंशज रावण को उनके ऊपर विजय प्राप्त की। हलम कलयते, अगेन जमीन, हल से बलराम जी ने यमुना का आकर्षण दर्शन किया और वहां से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, ऐसा कहते हैं। पौलस्त्यम जयते, पौलस्त्यम जयते, हलम कलयते, कारुण्य मातंगते, बुद्ध के अवतार में कारुण्य से भरपूर उन्होंने उपदेश दिया और आखिर में मलेच्छान मूर्छयते दशाकृत, मलेच्छ जो आएंगे, मलेच्छ जो आ रहा है, जो मलेच्छ पना आ रहा है, जो वृत्ति आ रही है, भयानक, हिंसक, एग्रेसिव, वायलेंट, फ्रैट्रिसिडल, ब्लडी, ब्लडथर्स्टी, बिल्कुल बेवकूफी भरा जो व्यवहार हो जाता है, तो उसको कहते हैं मलेच्छ। मलेच्छान मूर्छयते दशाकृत कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः, ये पहली उनकी के बाणों से बींधी गई और जैसे तैसे रात को बिताई हुई राधा इस तरीके से दिखाई दी। नेक्स्ट, अब आ गए हमारे हीरो, गामछा लेके जा रहे हैं बेचारे, कुछ तो करना पड़ेगा, पता है कि मैंने सब हदें पार कर दी हैं और सर भी नीचा है, सोच रहे हैं कि मैं क्या कहूं, कैसे राधा को मनाऊं। तो यहां पर रजनी जनित गुरु जागर राग कषाय मन सन्निवेशम, जब कृष्ण जा रहे हैं, इसका अर्थ तो यही होता है कि रात वो कहीं और थे, राधा अकेली थी और अब अर्ली मॉर्निंग एट द क्रैक ऑफ डॉन उषाकाल में ब्राह्मण मुहूर्त में कृष्ण जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं क्या कहूं, कुछ तो कहना पड़ेगा, राधा को मनाना पड़ेगा। तो वहति नयन मनुराग में स्फुट मुदित रसाभिनिवेशम, जो कृष्ण का स्वरूप जयदेव ने क्या बताया है, जो स्वरूप लेके राधा जी के सामने आके खड़े हो गए हैं, वो स्वरूप मुझे कहीं इसमें नजर आया कि वैसे नीचे गर्दन है, आंखें ढली हुई है, आंखें बिल्कुल पूरी रात किसी के साथ मजा लेते हुए जो लाल हो जाती है वो आंखें हैं। चलिए नेक्स्ट, राधा जी क्या करने दिखे, हेलो हेलो हेलो, कृष्ण मना रहे उनके, जैसे कि पैर पड़ने जा रहे हैं, राधा ने मुंह फेर लिया है और उनको हटा रही है, और ये एक बहुत ही पावरफुल अष्टपदी है, या ही माधव या ही केशव मां बद कई सब माधव, या ही आने जाइए नहीं, जाओ, गो, इट्स नॉट प्लीज गो, नो, जाओ, या ही माधव, और माधव का मतलब यहाँ हम लोग ये करते हैं, माँ लक्ष्मी धव हस्बैंड, तू तो लक्ष्मी का हस्बैंड है ना, जा लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी चंचल है, तू भी वैसा ही है, जा, गेट आउट। या ही माधव या ही केशव, केश जिसके कुंच कुंच वाले गोल गोल करली, तो जितनी इसमें गांठेंगे उतनी ही गांठे तेरे दिल में है, ऐसा केशव जा। See, वृत्ति में क्या है, एंड ऑल्सो कि वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, हमें एक शब्द का और एक उसके कितने रंग हो सकते हैं ये भी हमें सोचना पड़ता है। विभिन्न मुद्राओं को लेकर के गीत गोविंद के एक एक पद का किस प्रकार से अभिनय किया जाए, इसके ऊपर टीकाएं लिखी गई हैं, और बहुत ही एक विशिष्ट बात है, अद्भुत बात है कि इस काव्य को इतना अधिक महत्व दिया गया है, और ये इस दृष्टि से दिया गया है कि गीत गोविंद वस्तुतः केवल लिखे तो उन्होंने गाने के लिए थे, गीत ही गोविंद, गीत गोविंद है, वो 24 गीत हैं उसमें, जिनको कि 12 सर्गों में विभाजित कर दिया, जिसके नाम सब तो के विकास होते भाई, सब बड़े सुंदर एलिटरेटिव और अनुप्रासात्मक नाम से, जैसा कि कहा सबके नाम है,
साकांक्ष या साकांक्ष पुंडलीकाक्ष सामोद दामोदर बड़े सुंदर। तो गीत गोविंद वस्तुतः सबके पढ़ने योग्य है, आप उसको पढ़िए और मूल में पढ़िए, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए, उसको मूल